दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो आज हम बात करेंगे कि आप धन वेबसाइट पे ट्रेलिंग एसएल किस प्रकार से लगा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रोसेस में बताने वाला हूँ। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने धन वेबसाइट पे लॉग इन कर लिया है। करंटली यहाँ पे मेरे एक पोजीशन चालू भी है। सो यहाँ पे हम चलेंगे सीधा पोजीशन में। गाइस, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का पुट ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है। बाकी गाइस, अगर आपने मान लीजिए कोई कॉल ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का, सो आप सब में सेम तरीके से ट्रेलिंग एसएल को लगा सकते हो। किसी में भी आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। अभी गाइस, ट्रेलिंग एसएल लगाने के लिए यहाँ पे आपको आना है एंड जो भी इन्फो करके आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे उससे यहाँ पे आपको एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस, उसके बाद यहाँ पे आपको कवर योर रिस्क में ट्रेलिंग एसएल देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी ले लेना है कि कितने लॉट में आपको ट्रेलिंग एसएल को लगाना है। एंड यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस इंटर कर देना है कि आपको कौन सी प्राइस का ट्रेलिंग एसएल लगाना है। जैसे यहाँ पे मैं डेमो के लिए यहाँ पे मैं 20 प्राइस इंटर कर देता हूँ एंड बाकी इसको मैंने बाय किया है 31.35 पैसे पे। सो ऐसे यहाँ पे हमारा 11 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। एंड बाकी के जो भी ये ट्रिगर प्राइस है इसमें आपको थोड़ा सा लिमिट प्राइस से ज़्यादा ले लेना है। जैसे यहाँ पे मैं 21 कर देता हूँ। एंड ये जो ट्रेलिंग जंप है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से सेलेक्ट कर लेना है कि आपने यहाँ पे कौन से पुट ऑप्शन में एंट्री बना के रखा हुआ है, उसमें कैसा मोमेंटम हो रहा है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेलिंग जंप पॉइंट ले लेना है। अभी यहाँ पे आप इसमें कम भी ले सकते हो और ज़्यादा भी ले सकते हो। अभी के जो भी ट्रेलिंग जंप है सो यहाँ पे आप जितने पॉइंट भी लोगे उतने पॉइंट से आपका जो एसएल रहेगा ट्रेल होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ एंड जो भी ये पुट ऑप्शन इसका प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा सो यहाँ पे मेरा जो ट्रिगर प्राइस है एक एक पॉइंट से ऊपर चला जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे 21 है सो ये 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे एक एक पॉइंट से ट्रेल होगा। एंड बाकी के अगर यहाँ पे आप 10 ले लोगे सो सीधा 10 पॉइंट से ट्रेल होगा, सीधा 21 की जगह 31 हो जाएगा, 31 की जगह 41 हो जाएगा। सो ऐसे 10 पॉइंट से ट्रेल होगा। अभी डेमो के लिए यहाँ पे मैं 0.10 पैसा ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से लाइव प्रोसेस में दिखा सकूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने 0.10 पॉइंट ले लिया है। अभी यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करेंगे। सो जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे सो आपका यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसा लग जाएगा सक्सेसफुली कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस प्राइस आया जो कि है 27.55 का। एंड अभी आप करेंटली देखोगे जो भी LTP है इसका चालू है 27.80 हो गया है। यानी कि जो भी हमारा ट्रेलिंग ऐसे ले ऑटोमेटिक ट्रेल हो गया होगा। कैसे होगा सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। सो फिर से यहाँ पे हम इन्फो में आएंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे मेरा जो ट्रिगर प्राइस है 21.20 हो गया है क्योंकि इसका प्राइस ऊपर चला गया है। और यहाँ पे जो रेफरेंस प्राइस है आ गया 27.75 का। अभी गाइस, यहाँ पे जो भी पुट ऑप्शन इसका प्राइस 27.85 के ऊपर चला जाएगा सो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर प्राइस है ऑटोमेटिक ट्रेल होके 21.30 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने 10 पॉइंट का जंप प्राइस रखा हुआ है। सो अभी यहाँ पे आप देखो करेंटली 27.85 हो गया, 28 भी हो गया है एंड जो भी हमारा ट्रिगर प्राइस है ट्रेल हो गया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं इन्फो में आऊँगा। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे करेंटली जो भी ट्रिगर प्राइस है 21.40 हो गया है। और बाकी जो भी ट्रेलिंग एसएल है इसको अगर आपको मॉडिफाई करना है सो ऐसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो दोनों प्राइस में एंड जो भी ट्रेलिंग जंप पॉइंट है इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। एंड जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे सो आपका यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल मॉडिफाई हो जाएगा। सो गाइस, आप कुछ इस तरीके से धन वेबसाइट पे ट्रेलिंग एसएल को आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा सकते हो। एंड बाकी गाइस, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है सो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।